Hi, welcome to all at Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Today we are here to discuss about the very important vacancy for the computer science and IT as well as for electronics engineer. Engineering ke student unke liye hai computer instructor. Aaj hame computer instructor ke baare mein janna hai. Bahut sare myth अलग अलग तरीके के चल रहे हैं और सिलेबस को लेके भी बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा है. आपको पता है कि 23 ऑफ जुलाई को राजस्थान गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया था कि वैकेंसी हम क्लियर मोड पर लेंगे, मतलब हम परमानेंट मोड पर लेंगे. पहले जो चल रहा था कि डेपुटेशन पर लेंगे या किस तरीके संविदा पर लेंगे या क्या होगा, वो अब गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने क्लियर कर दिया है. और आपको पता है कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी है ये फर्स्ट टाइम राजस्थान में फर्स्ट टाइम इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, फर्स्ट टाइम इसका रिक्रूटमेंट होने वाला है. और उन्होंने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी को दो पार्ट में डिवाइड किया, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एंड सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर. बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जिसको कि हम दूसरी टर्मिनोलॉजी में बात करें तो थर्ड ग्रेड टीचर हो गए, एंड सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें तो हम सेकेंड ग्रेड टीचर हो गए. इन दोनों वैकेंसीज के लिए यदि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको पता है कि जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने बीटेक किया है सीएस आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर बीसीए किया है, एमसीए किया है, बीएससी या एमएससी करी है आईटी में, या पीजीडीसीए का कोर्स किया है, वो सारे के सारे स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं. ए लेवल के स्टूडेंट भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है. लेकिन क्योंकि सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी इससे अपग्रेडेड प्रमोटी वैकेंसी है, इसलिए वहाँ पर कुछ स्टूडेंट को अप्लाई करने के लिए परमिशन नहीं दी गई है. वहाँ पर बीसीए, एमसीए, बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमएससी और बीएससी वाले स्टूडेंट है, पीजीडीसीए और ए लेवल वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है. इट इज़ योर पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू जो कि सिलेबस को लेकर डाउट रहता है कि सर सिलेबस में आने वाला क्या है. जैसा मैंने आपको एक मिनट पहले बताया था कि इट इज़ फर्स्ट टाइम रिक्रूटमेंट, जिससे कि हमें आइडिया नहीं है. लेकिन यदि हम प्रीवियस स्टेट लेवल के अदर एग्जाम को देखें और वहां पर एनालिसिस करें कि क्या आता है, तो इन जनरल यू नो 60-70% टेक्निकल एग्जामिनेशन का सिलेबस आता है और 30-40% नॉन टेक्निकल का सिलेबस आता है. 60-70 जो हम टेक्निकल एग्जाम की बात कर रहे हैं उस सिलेबस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और 30-40 जो हमारे पास में नॉन टेक्निकल का सिलेबस है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी विल सी कि हम टेक्निकल सिलेबस क्या आने वाला है, क्योंकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है और ये क्लियर नहीं है कि एक सिलेबस क्या है. लेकिन हमने एक्सपर्ट और पूरी इंजीनियर्स एकेडमी के टीम के साथ में डिस्कस किया और कुछ हमने सिलेबस को डिफाइन किया कि इसमें से क्या क्या टॉपिक पर आ सकता है. तो एक्सपेक्टेड हमें लगता है कि टीम के हिसाब से कि कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वेब डेवलपमेंट, मल्टीमीडिया और कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट. हमें लगता है कि ये 7-8 टॉपिक हैं जिनसे आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, जबकि नोटिफिकेशन में और आगे क्लियर हो जाएगा. लेकिन इस 7-8 टॉपिक का मतलब नहीं है कि ये कोई पॉइंट है. दीज आर द वी कैन से दीज आर द सब्जेक्ट और दीज आर द डिटेल्ड चैप्टर्स ऑफ दैट होल सिलेबस. ऐसा नहीं है कि उसमें ये कोई टॉपिक है जिसका बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस है, उसके बारे में भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. और सेकंडली जो हमने डिस्कस किया था कि 30-40% यदि आपका नॉन टेक्निकल आता है, तो क्योंकि ये राजस्थान की वैकेंसी है तो आपको पता है कि राजस्थान जीके और राजस्थान जीके के साथ में रीजनिंग एप्टीट्यूड या रीजनिंग जिसको कि हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, वो सब भी ऐड होने के चांस हैं. तो ये इसका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सिलेबस होने वाला है. अब यदि हम इस पूरे सिलेबस की बात करें, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में क्या आने वाला है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आने वाला है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आने वाला है, तो इसका भी हमने एक्सपेक्टेड पूरा का पूरा सिलेबस बनाया है. कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का भी बनाया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी बनाया है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बनाया है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का भी बनाना है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स ही चल रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट का भी हमने सिस्टम बनाया है, वेब टेक्नोलॉजी का भी हमने सिलेबस डिजाइन किया है, मल्टीमीडिया एंड टूल्स का भी, और कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट. ये पूरा का पूरा सिलेबस हमने डिजाइन किया है. अगेन ये हो सकता है कि कुछ सिलेबस थोड़ा बहुत एग्जाम में आए जब वेरी कर सकता है, लेकिन क्योंकि हम उसी टाइम पर प्रिपरेशन करना स्टार्ट ना करें जब नोटिफिकेशन आए. यदि सीरियसली आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको करियर सेट करना है, तो पहले से प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी. और आप इस बात से बहुत अच्छे से अवेयर हैं कि जितने भी कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, एम एस सी आई टी, बी एस सी आई टी या सी एस में, सी एस आई टी में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, यदि बी टेक आपने कर रखे, एम टेक आपने कर रखे, देयर इज़ वेरी लेस चांसेस फॉर द गवर्नमेंट जॉब. क्योंकि पी एस यूज में वैकेंसीज की बात कर लें या फिर और जगह अपन जे ई एन की वैकेंसी की बात कर लें, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल के लिए स्कोप ज़्यादा रहता है. तो आपके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. और इतनी नंबर ऑफ वैकेंसी, जैसा कि हम देख पा रहे थे कि अराउंड 9,000 से 10,000 के बीच में वैकेंसी आने वाली है,
तो इतनी ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज कभी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा है जो इस लेवल पर आ जाए। और जो सीनियर आपके पास में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, इट इज द वैकेंसी ऑफ लेवल प्रोग्रामर एंड द कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर इज द वैकेंसी ऑफ लेवल IA। और मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि निम्बस लर्निंग एंड इंजीनियर्स अकेडमी इज वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर द टेक्निकल एग्जामिनेशन, चाहे वो गेट हो या SSC-JE हो या अदर कोई टेक्निकल एग्जामिनेशन हो। और पूरी की पूरी जो इंजीनियर्स अकेडमी की टीम बनी हुई है, वही टीम आपके इन सब्जेक्ट की आपको बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करवाएगी। इसी को चेक करने के लिए और इसी की क्लासेज के लिए मैं दो बातें आपको बताना चाह रहा हूँ। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये कि हम एक पैनल डिस्कशन लेके आ रहे हैं। एक पैनल डिस्कशन का मतलब इंजीनियर्स अकेडमी की पूरी टीम जो हाईली क्वालिफाइड है, दे आर हैविंग द एक्सपीरियंस इन देयर रिलेवेंट फील्ड, दे आर वन ऑफ द एक्सीलेंट फैकल्टी ऑफ इंडिया, उनके साथ में एक पैनल डिस्कशन लेके आ रहा हूँ। और वो पैनल डिस्कशन में आपको इस पूरे सिलेबस के बारे में जो इसको पढ़ाएंगे वो उसके साथ में डिस्कस भी करेंगे कि हम डेटाबेस में क्या करने वाले हैं, प्रोग्रामिंग में हम क्या करने वाले हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या करने वाले हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करने वाले हैं, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, ये पूरे का किस तरीके से एनालिसिस होगा, क्या हम पढ़ेंगे, कैसे हम पढ़ेंगे, ये जल्दी आपके साथ में एक पैनल डिस्कशन भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड राजस्थान GK, ये बड़ा कॉमन सा है, इसमें ऑलरेडी हमारे पास टीचर है, उनके साथ भी हम आपको जल्दी एक पैनल डिस्कशन के साथ में हम आपके साथ में प्रस्तुत होंगे, हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर क्लासेज की। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इस डोमेन के लिए CS IT या इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन के लिए BTEC वाले स्टूडेंट के लिए BSc IT MSc IT PGDCA या फिर A-Level, इन सब के लिए वैकेंसी क्योंकि कम होती है, और कभी कभी ये वैकेंसी, मतलब ये वैकेंसी तो फर्स्ट टाइम है, इस टाइप की वैकेंसीज कभी कभी आती हैं अदर जगह भी यदि अपन देखें तो उन सब के लिए हम कुछ यूट्यूब पर क्लासेज भी लेके आ रहे हैं। दीज आर द हेल्पिंग क्लासेज फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर सिंसियरली प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। आप इन क्लासेज को लें, आप इंजॉय करें, आफ्टर इंजॉइंग द क्लासेज, आफ्टर सीइंग दिस क्लासेज, चूज योर सेल्फ कि हमें इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, कैसे करनी है, दे विल गाइड यू, इंजीनियर्स अकेडमी का एक्सपर्ट आपको इस बात को बता पाएंगे। मैं बता देता हूँ, ये क्लासेज ऑपरेटिंग सिस्टम की 2 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है, सुबह 9 बजे, डेली सुबह 9 बजे क्लास होगी। और डेटा स्ट्रक्चर की क्लासेज भी 2 अगस्त से शाम को 6 बजे क्लास स्टार्ट होगी। जो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास है, इसको विजय अग्रवाल सर, यू नो ही इज ऑल्सो वन ऑफ द रेनॉल्ड फैकल्टी ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी, एंड पूर्णिमा दवे में डेटा स्ट्रक्चर की क्लास आपकी लेंगी रात शाम को 6 बजे। इस तरीके से आपकी क्लासेस चलने वाली है। आई होप सो बोथ पॉइंट, विच वन, फर्स्ट वन इज पैनल डिस्कशन, सेकंड वन इज यूट्यूब फ्री क्लासेस, यू अवेयर फ्रॉम दीज टू टॉपिक्स। नेक्स्ट मैं आपके बात में बताता हूँ, यदि आपको कोई और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, यदि आपको और भी कोई इससे रिलेटेड डिस्कशन करना है या आपको और भी कोई इनपुट देने हैं, क्योंकि ये वैकेंसी फर्स्ट टाइम है, नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, सिलेबस अभी डिफाइन नहीं है, वी प्रिपेयर्ड दिस सिलेबस, एक्सपेक्टेड सिलेबस बाई सिटिंग एट ए सिंगल टेबल, हमने बैठ के आपस में बात करके और पुराने सिलेबस को देखकर हमने इसको, पुरानी चीज़ों को देख के एनालिसिस करके हमने डिजाइन किया। स्टिल इफ यू एनी क्वेरीज, यू हैव डाउट, देन यू कैन राइट डाउन योर डाउट और एनीथिंग इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जिससे कि हमें आइडिया लग सके। और आपके भी यदि कोई पॉइंट है तो उन सबको लिख दें, ताकि हम उस पैनल डिस्कशन में हम उन सारे के सारे पॉइंट को डिस्कस कर सकें। जल्द ही मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपके लिए एक पैनल डिस्कशन हम लाने वाले हैं, और सेकेंडली मंडे 2 अगस्त से हम आपके लिए लाइव क्लासेज YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्ज, ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। पूरी की पूरी इंजीनियर्स अकेडमी के साथ में हम ये क्लासेज आपके साथ में इंट्रोड्यूस करने वाले। वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट विशेज, गुड लक, क्लियर करना है ये एग्जाम। अगेन थैंक यू निम्बस लर्निंग, ये है फ्यूचर की तरफ। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।